अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम आपको ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जो खुद को बदसूरत समझने वाली अभिनेत्री बनी मिस इंडिया। ये किस्सा उस दौर का है जब अपने जमाने की सबसे मशहूर इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक माने जाने वाली नूतन बचपन में अपने कम वजन और नाक नक्शे की वजह से काफी परेशान रहती थी, खुद को बेहद बदसूरत समझती थी। फिर भी फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उन्होंने अपनी माँ के डायरेक्शन में बनी फिल्म हमारी बेटी से साल 1950 में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उस समय नूतन सिर्फ 14 साल की थी। नूतन को 1955 में फिल्म सीमा से बड़ा ब्रेक मिला, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद नूतन ने लगातार इंडस्ट्री को पेइंग गेस्ट, अनारी, छलिया, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सौदागर, कर्मा, मेरी जंग और सुजाता जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी। नूतन अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार रहती थी। फिल्म के सेट पर भी एक्ट्रेस ज्यादातर अकेले समय बिताती थी। नूतन को सेट पर अपने को स्टार्स और बाकी टीम मेंबर्स से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन 1970 की देवी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी संजीव कपूर से दोस्ती हो गई थी। सेट पर दोनों खूब बातें किया करते थे। उस समय दोनों बेहद पॉपुलर, इनकी दोस्ती को लोगों ने अफेयर का नाम देना शुरू कर दिया था। शूटिंग के दौरान एक मैगजीन में अपने और संजीव के अफेयर की खबरें पढ़कर नूतन बेहद परेशान हो गई थी। जब उन्हें पता चला ये खबर संजीव कुमार ने फैलाई है, नूतन का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। एक्ट्रेस ने संजीव कुमार को देवी फिल्म के सेट पर सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया। हालांकि बाद में पता चला कि अफेयर की खबर संजीव कुमार ने नहीं फैलाई, ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में और भी अनोखी दास्तान को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।